2024 में किस प्रकार से जो है भाजपा को हराया, और केवल बिहार की बात ही नहीं है, माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश जी और हम लोग खुद राष्ट्रीय जनता दल मिलकर के लगे हैं कि देश भर में विपक्ष को जो है गोलबंद किया जाए। तो असल घबराहट जो है वो 24 का है। एक तरफ बिहार में रामचरितमानस या धर्म को लेकर राजनीति चल रही है और दूसरी तरफ दिल्ली में पत्रकारों के बीच उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव आ गए। तेजस्वी यादव से पूछा गया कि आप महागठबंधन कह रही है कि आपकी सरकार ज्यादा दिन नहीं चल पाएगी, उन्होंने खुद जवाब क्या दिया, आप खुद सुनिए। देखिए, इस पे हमको टिप्पा टिप्पणी नहीं करना, वो क्या सोचते हैं और क्या समझते हैं ये सब लोग जानते हैं कि भाई सत्ता से जब बाहर हुई बीजेपी तो अभी भी उन लोगों को ये बात जो है पच नहीं दी, और हम सब लोग समाजवादी लोग हैं, हम सब लोग मिल करके हम लोगों की तैयारी है कि 2024 में किस प्रकार से जो है भाजपा को हराए, और केवल बिहार की बात ही नहीं है, माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश जी और हम लोग खुद राष्ट्रीय जनता दल मिल करके लगे हैं कि देश भर में विपक्ष को जो है गोलबंद किया जाए। तो असल घबराहट जो है वो 24 का है। अभी आप देखिए ना, उत्तर भारत में भाजपा का कौन सा अलायंस पार्टनर रह गया, कोई नहीं रह गया, और लगातार भाजपा वाले लोगों को तो अपनी खुद को समीक्षा करनी चाहिए कि लगातार उनके सहयोगी क्यों छोड़ छोड़ करके भागे। भाई मुख्यमंत्री जी, जनता दल यूनाइटेड पहले कहाँ किसका पार्ट था, एनडीए का, शिवसेना किसका पार्ट था, एनडीए का, अकाली दल किसका पार्टनर था, एनडीए का। तो ये जितने दल हैं जो एनडीए के लंबे समय तक पार्टनर रहे, ये क्यों छोड़ करके भागे। तो हम लोगों का, वो लोग कुछ भी कहें करें, हम और माननीय मुख्यमंत्री जी महागठबंधन की सरकार जो चल रही है उनके नेतृत्व में मजबूत। यानी कि यहाँ पर तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि कहने सुनने से कुछ नहीं होता है, होगा वही जो होने वाला है। यानी उन्होंने कहा कि 2024 में हम टारगेट कर रहे हैं पूरे विपक्ष को एक साथ करके भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करने की। उन्होंने कहा कि ये कहना सुनना तो चलता रहेगा, उन्होंने कहा कि कहने से अगर कुछ होने वाला होता तो फिर कोई बात ही नहीं थी, लेकिन उन्होंने कहा कि अभी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ये बात कहने का मतलब है कि वो कहीं ना कहीं उन कयासों को, उन स्पेकुलेशंस को अपनी अपने तरफ से खत्म कर दे रहे हैं, जिसमें ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है कि सत्ता, बिहार की सत्ता पूरी तरह से आरजेडी यानी तेजस्वी यादव के हाथों में आ जाएगी और नीतीश कुमार अपना पूरा ध्यान केंद्रीय राजनीति पर देंगे। उन्होंने कहा कि हम नीतीश जी के नेतृत्व में पूरी तरह से विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी तैयारी यह है, यानी जिसका लक्ष्य उन्होंने ये बताया कि 2024 में हम भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह से सत्ता से बेदखल कर देंगे। उन्होंने दूसरी बात जो छेड़ी, जो इंपॉर्टेंट है बहुत, उन्होंने कहा कि हम लोग 10 लाख नौकरियों का जो हमने वादा किया है उसके सृजनात्मक कार्रवाई चल रही है, हम रोज कोशिश कर रहे हैं कि उस नौकरी को कैसे बनाया जाए, कैसे क्रिएट किया जाए। यानी कि उन्होंने एक दो चीजों पर, जिस पर सबसे ज्यादा हंगामा अभी मचा हुआ है बिहार में, जो के कैसे जो एक तरह से अनएम्प्लॉयमेंट है, जो बेरोजगारी है, उसको लेकर भी उन्होंने वहां पर जवाब दे दिया है, आप खुद भी सुन सकते हैं। देखिए, उन्होंने ये कहा कि 10 लाख नौकरियों को कि हम सृजनात्मक प्रक्रिया में हैं, हम सृजन कर रहे हैं, यानी नौकरियों का इंतजाम किया जाएगा, बिहार से बेरोजगारी को दूर की जाएगी, पूरी तरह से राजनीति चल रही है गजब की। और इसी बीच उनका ये बयान बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही महत्व रखता है। तो इस तरह की खबरों के लिए आप बने रहिए कशिश न्यूज पर। अगर आप हमारे प्रोग्राम को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप इसे फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए और कॉमेंट सेक्शन में जाकर फीडबैक देना ना भूलें। बने रहिए कशिश न्यूज के साथ, हम आपके सामने खबरों की झड़ी लगाते रहेंगे। खबरों से बाखबर रहने के लिए कशिश न्यूज से बने